शासन प्रशासन कोरोना वायरस से निपटने लगातार ही मुस्तैद नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोगों पर भी नजर रखी जा रही है जो लोग बाहर शहरों से आ रहे हैं। रायसेन जिले के बेगमगंज तहसील के पंडाझर गांव में रविवार को लोधी परिवार के 5 सदस्य मुंबई से अपने गांव वापस आए, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल हो गया। उन्होंने तुरंत ही पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस प्रशासन रात करीब 12 बजे गांव पहुंचा, जहां उन्हें सुबह अस्पताल ले जाया गया और सभी की जाँचें कराई, जिसमें 5 सदस्यों की जाँच रिपोर्ट नॉर्मल आई है। इसके बाद BMO डॉक्टर नागवंशी ने उन्हें घर से ना निकलने और सावधानी बरतने की हिदायत दी है। गांव वालों ने कंप्लेन किया करके तो हम लोग सिर्फ नॉर्मल चेकअप के लिए आए हैं, लेकिन सब नेगेटिव है हमारे, कुछ नहीं आया। सर्दी जुकाम बुखार किसी को? बच्चों को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। सिंह लोधी है और मैं मुंबई को 20 तारीख को निकला था, 21 को इधर आया हूँ। कितने लोग? 5 लोग हैं हम लोग। अभी डॉक्टर को चेक कराया, क्या निकला? वो सब नॉर्मल बोले, कुछ भी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? सर्दी खांसी बुखार कुछ भी नहीं, नहीं नॉर्मल। उनको होम क्वारंटीन की सलाह दे दी गई है, मल्टीविटामिन, प्रॉपर डाइट, और कुछ कंप्लेंट होती है तो फिर वो आकर दिखा सकते। रायसेन से राजेश रजक, सागर टीवी न्यूज़।